आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नाइन बहुत ईजी है टू वाई प्लस थ्री अपॉइंट फाइव इक्वल टू ट्वेंटी माइनस वाई वेरिएबल हमें एक तरफ लेना है और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ लेना है सिंपल है बहुत ईजी तो इसको देखिए हम कर सकते हैं आ, ये देखिए टू वाई है यहाँ पर और ये वाई मिल रहा है तो इधर आकर के ये देखिए ये प्लस क, ये माइनस का है तो यहाँ आकर प्लस कर हो जाएगा मतलब कि प्लस वाई बराबर ट्वेंटी हो जाएगा और ये देखिए प्लस का है तो इधर आ करके हो जाएगा ये माइनस का मतलब कि कितना इजी इजी सवाल हो हो गया गया ये तो ज़्यादा कुछ अब प्लस 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 हो जाएगा तो ये हो जाएगा थ्री वाईस टू अब देखिए यहां पर हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे सेम दे रखा है जब नीचे सेम दे रखा हो डायरोमीटर में जब सेम डिजिट्स दे रखी हो तो ऊपर वालों को साइन के हिसाब से सॉल्व कर दीजिए मतलब इसे घटाना है हमें तो 26 में से पाँच गए तो 21 बट्टे तीन बहुत ही ईजी है अपॉन में बन ले लेंगे देखिए इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से तो आप कर ही सकते हैं लेकिन इतना लंबा मैथड क्यों करें हम तो सिंपली हमें क्या करना है इसकी सामने सामने डिवाइड कर लो क्रॉसली तो मल्टीप्लाई होती है जब इक्वल टू का साइन आता है सामने सामने हम डिवाइड कर सकते हैं मतलब कि मैं क्या मैं तीन की डिवाइड इक्कीस में कर सकता हूं तो ये क्या आ जाएगा तीन एकम तीन तीन सत्ते इक्कीस मतलब मैं क्या कह सकता हूं यहाँ वाई बराबर सात बट्टे तीन क्या यही आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएं अब देखिए अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको सॉल्व करवाता हूं तो ये इसी तरीके से हो जाएगा थ्री की मल्टीप्लाई मेरे को थ्री में करनी पड़ेगी और वन की मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन में करनी पड़ेगी मतलब मैं इसको यहां पर करके दिखा देता हूं आपको थ्री वाई इंटू थ्री इक्वल टू वन इंटू ट्वेंटी वन इस तरीके से अब देखिए थ्री थ्री नाइन वाई हो जाएगा हो जाएगा ट्वेंटी uh, वन तो यहाँ पर ये किस तरीके से सॉल्व करेंगे वाई इक्वल टू ट्वेंटी वन अपॉन में नाइन अब देखिए थ्री का टेबल कॉमन है दोनों में तो थ्री से डिवाइड करेंगे तीन सत्यक्कीस और तीन तिया नौ वाई बराबर सात बटे तीन देखिए ये भी इस तरीके से आ गया और इस तरीके से भी आ गया वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड सब्सक्राइब माय चैनल